एक AI जो इंडियन डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग समझे, एक AI जो सैटेलाइट्स के थ्रू किसान की जिंदगी थोड़ी आसान कर दे, कुछ इंटरेस्टिंग लैंग्वेज अपडेट्स और कुछ एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस। ये होंगे चार पार्ट्स इस वीडियो के। मेन राइटर था गूगल फॉर इंडिया 2022 में, जहां काफी सारे कूल लोग आए थे, जैसे सुंदर पिचाई, IT मिनिस्टर, काफी सारे गूगलर्स और कुछ यूट्यूबर्स। इस इवेंट की काफी साइंसी वाइब थी, जैसे आप देख सकते हो PSLV और सैटेलाइट्स और राइनोस। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है गूगल इंडिया की तरफ से, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल के डॉक्टर हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन टेक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोन के ऊपर एक डेमो ऐप चल रहा है, जो मैं पॉइंट करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ। हम में से आप में से काफी लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा है प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो समझने के लिए। आप देख सकते हो इस मॉडल ने ढंग से प्रिडिक्ट कर भी लिया कि वो मेडिसिन का क्या नाम है, प्लस उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी उस मेडिसिन के ऊपर। अब आप में से काफी लोग कहोगे कि ये मतलब एक क्लासिकल OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक है, जिसमें हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे हैंडराइटिंग डेटा के ऊपर कि ये C है, ये L है, जो भी है। अब काइंड ऑफ करेक्ट हो, वो यूजुअली चलते हैं मतलब कंटूर्स या वेट्स के ऊपर कि हम कैसे हमारा सी का कर्व दिखता है, कैसे एल का कर्व दिखता है। पर आप इस फार्मासिस्ट को सुन लो। अगर साइंस समझ आ जाता है, यह जो सी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एल है, यानी कि लोनस है। तो ऐसे ही हम अपने जैसे आपने देखा, उस फार्मासिस्ट ने कहा कि ये जो सी जैसे दिख रहा था वो सी नहीं था, वो एल था, और उससे पता चला इस वर्ड के एंडिंग को देख के और उसके नॉलेज के ऊपर जो है मेडिसिन का नाम। तो अब इससे पता चल गया होगा कि एक क्लासिकल सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जो हम इजीली सॉल्व कर पाए। इसके लिए गूगल को और थोड़े स्टेप्स करने पड़े, जैसे मॉडल को नॉलेज देना इस मेडिसिन के नाम का। सेकेंडली co-occurrences देखना, जैसे सर्टेन मेडिसिन के साथ मे बी आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड हो या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन रिकमेंड हो, तो अगर आपको पैटर्न मिल गया दोनों मेडिसिन का, तो आपका मॉडल का आउटपुट जो है ज्यादा एक्यूरेट होगा। काफी एक्साइटेड हूं मैं ये देख के, पर इनिशियल स्टेजेस में याद रखो ये रोल आउट बस फार्मासिस्ट के साथ होगा, फिलहाल के लिए ये जनरल यूजर्स के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगली हम बात करेंगे एग्रीकल्चर AI से रिलेटेड। अब देखो, मेरे को यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। हमारे जो लोन होते हैं रेगुलर लोगों के, जैसे कार लोन वगैरह, उसमें क्या होता है आपका सिबिल स्कोर इन्वॉल्व होता है, मे बी आपका कोलेटरल इन्वॉल्व हो और आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा, सिंपल वे में बोले तो। फार्मर्स के लोन में भी सिमिलर प्रोसेस है, पर एक एडिशनल स्टेप के साथ। उनका भी सिबिल स्कोर और डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्मेंस वगैरह वेरीफाई होता है, पर एक एडिशनल एस्पेक्ट हो सकता है फार्मर के केस में, वो एक फिजिकल फील्ड विजिट, यानी वो किसी को हायर करेंगे जो जाएगा फार्म पे, वेरीफाई करेगा उस फील्ड का स्टेट। आप सोच ही सकते हो कि ये प्रोसेस ज्यादा टाइम भी लेगा और प्लस ज्यादा महंगा भी पड़ेगा बैंक को। अब इमेजिन करो, अगर बैंक मैनेजर के पास एक एप्लीकेशन होता फोन पे या कंप्यूटर पे, जो सिंपली खोलता और सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ही देख लेता क्या चल रहा है उस फील्ड में, उसे करंट स्टेट तो दिखता ही, प्लस हिस्ट्री भी देख लेता उस फार्म की। आप ये डेमो देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देख सकते हो वो जूम कर रहे एक फील्ड के ऊपर और AI ने अच्छी तरह इंडिविजुअल फील्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, सेपरेट कर लिया। प्लस AI ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि कहां पे ट्रीज है या ऑर्चिड्स है या पानी है या वाटर बॉडी जो कहते हैं वेल या मैनमेड लेक्स, वो सब भी उसने प्रेडिक्ट कर लिया। प्लस अगर आप राइट में आओ तो और ज्यादा आपको एनालिटिक्स दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, लास्ट हार्वेस्ट कब हुआ था, लास्ट सोइंग कब हुआ था, वो कितना दूर है पानी से, कितना दूर है रस्ते से, और काफी सारे ज्यादा एनालिटिक्स। अब टू बी क्लियर, इसमें से थोड़ा बहुत डेटा मॉक्ड है, पर मोस्ट ऑफ इट AI से चल रहा है। अब मैं इसके पोटेंशियल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। टू बी क्लियर, ये अर्ली स्टेज है और इनिशियली कुछ यूजर्स ही इसे ट्रायल कर पाएंगे, जैसे बैंक्स वगैरह, पर मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके पोटेंशियल के लिए। मेरे ओपिनियन में अगर इसे फ्यूचर में एनालिटिक्स जैसे सॉइल मॉइस्चर लेवल्स, पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप हेल्थ वगैरह वो कर पाता है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। मतलब ये आजकल ऐसा कुछ करना सैटेलाइट के थ्रू हम जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए इजी नहीं है। गूगल कौन सा नया नहीं है सैटेलाइट इमेजरी से, आपने गूगल अर्थ वगैरह इस्तेमाल किया है तो आपने देखा ही होगा, वहां पे लाइसेंस्ड बाय मैक्सार, प्लैनेटिंग वगैरह आते हैं, वो सब सैटेलाइट कंपनीज है जो इमेजरी बेचते हैं गूगल को। प्लस उसके बजाय गूगल कुछ पार्ट ओन भी करता है प्लैनेटिंग का, जिनके खुद के 190 प्लस सैटेलाइट्स है, तो गूगल के पास जो स्केल है इस चेंज को करने के वो काफी इंसेंट है और मैं एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं। अभी कुछ लैंग्वेज अपडेट्स पे आते हैं जो गूगल ने दिए। आपको बताइए होगा रिसेंटली गूगल ने कुछ नए लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बजाय गूगल ने रिवील किया कि वो ISC बैंगलोर के साथ 100 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस की सपोर्ट ऐड करने के लिए काम कर रहे एक मिशन के ऊपर, जिसमें डेटा सेट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं दोनों वॉइस और टेक्स्ट लैंग्वेजेस के लिए। सेकेंडली उन्होंने बाइलिंगुअल वॉइस सर्च दिखाया गूगल असिस्टेंट में, जहाँ पे आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो और वो आपकी बातें ढंग से समझ लेगा आपने क्या बोला, तो ये काफी कूल था।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने एक इवेंट किया था जिसका नाम था #womenwill, जो वुमेन के ऊपर था डीप टेक में और एआई में। इसमें एक कॉन्वर्जेशन भी हुआ था ट्विंकल खन्ना और सुंदर पिचाई के बीच में। उसके बजाय काफी सारे कूल वुमेन थे जो अपने एआई टेक के बारे में बात करते थे, जैसे मेंटल हेल्थ का एआई जिसमें एक चैटबॉट मेंटल हेल्थ के बातें वाला दिखाया था। उसके बजाय एक नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन जिसमें वो थर्मल इमेजरी और उनके एआई मॉडल्स यूज करके प्रिडिक्ट कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर। एक और थी जो थी रमा देवी, रमा मैम जो है वो लीड करती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तेलंगाना गवर्नमेंट में। उसमें मैंने जो सैटेलाइट की बात की थी कुछ टाइम पहले, वो प्रोजेक्ट जो है वो ये पायलट कर रहे हैं। उसके बजाय उन्होंने एक और ऐप दिखाया जिसमें फार्मर जो पेस्ट या जो ग्रेन्स वगैरह उनके फोटो खींच के वो ऐप उन्हें बता देगा कि ये कौन सा पेस्ट है और वो क्या कर सकते हैं उस पेस्ट इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है हमारे फ्यूचर में जो है एआई एक पार्ट होने ही वाले हमारे लाइफ का, जो हमारे जो नॉर्मल चीजें हम करते हैं उसको ऑग्यूमेंट करे, उसको बेटर करे। काफी एक्साइटेड हूँ, काफी कूल इवेंट था। आपको समझना होगा इसमें से काफी सारे चीजें ऐसे है जो टाइम लेंगी नॉर्मल पब्लिक के हाथ में आने, ये नॉर्मल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो हाँ, नेवरदलेस काफी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।